नमस्कार दोस्तों, बिजनी हुए यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि पाउच पैकेट का जो वीडियो था पिछला वाला, उस वीडियो को आप तक पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा घर में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है। इसी के वजह से उस वीडियो को मैंने अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी उस वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। और वो जो पाउच पैकेट का वीडियो है उसे हर एक बिजनेसमैन को जरूर देखना चाहिए, आपको उस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है। बाकी आज मैं आप लोगों को एक धमाकेदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे करने के लिए आपको कोई भी लागत या इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं होगा। और तो और आप उस बिजनेस से महीने का 50 से 60 हजार या उससे भी अधिक रुपए तक कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ वो है होम ट्यूटोरिंग बिजनेस, यानी कोचिंग क्लास का बिजनेस आइडिया। लेकिन आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल आइकन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच पाए। दोस्तों आप लोग शायद ही जानते होंगे कि आजकल एक अच्छा टीचर का मिलना कितना मुश्किल हो चुका है, और इसी के कारण एक अच्छा टीचर की तलाश में कोई भी माता पिता उन्हें किसी भी हद तक पैसा खर्च करने में राजी हो जाता है। आपको इसी टाइम पे इस ट्यूटोरिंग का बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो। और आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जरूरत होगा 8x8 फीट का एक खाली घर जिसमें आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, और आपको जरूरत होगा एक ब्लैक बोर्ड की जिसमें आप स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक के बारे में समझाने के लिए जरूरत होगा। अभी मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ आप उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही है इस बिजनेस का मेन टॉपिक। तो सबसे पहले करना है कि आपका जितना सारा दोस्त या रिश्तेदार है आप उन सारे लोगों को बता दीजिए कि आप खुद का एक कोचिंग क्लास या होम ट्यूटरिंग करना शुरू किए हो। आप सभी को ये भी बता दीजिए कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग टीचर के साथ पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें ये भी बता दीजिए कि आप बहुत ही कम कीमत में हर एक सब्जेक्ट का टीचिंग कर रहे हैं। अभी आपको करना है कि आपका कुछ दोस्तों को भी इस काम के लिए बुला सकते हैं जो एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसी के कारण आपका कुछ दोस्तों का भी कुछ इनकम करने का एक मौका मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक रूटीन को तैयार करना है कि जिसमें आप दिन में 4 बैच पढ़ाएंगे, जिसका टाइम होगा सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का एक बैच, और सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक का एक बैच, और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक का एक बैच, और 6 बजे से 8 बजे तक का एक बैच आप पढ़ा सकते हैं। आपको इसी के हिसाब से एक परफेक्ट रूटीन को तैयार करना है जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको जुगाड़ करना है कुछ स्टूडेंट का जो आपका ट्यूशन यानी कोचिंग क्लास में पढ़ाने के लिए जरूरत होगा। और आपको शुरू शुरू में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे कम 500 रुपए भी लेते हैं तो आपको 7 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 3,500 रुपए की महीने का मिल सकता है एक स्टूडेंट से। और आप इसी के हिसाब से रोजाना एक बैच में 30 स्टूडेंट्स यानी 4 बैच में 120 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपको पर महीना 1,05,000 तक की इनकम हो सकता है। और आपका दोस्तों के साथ उनका रेवेन्यू शेयर करने के बाद भी आप कम से कम 40 से 50,000 तक की इनकम महीने का कर सकते हैं। बहुत लोग बोल सकते हैं कि एक साथ इतना सारा स्टूडेंट का जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है कि आज का दिन में फेसबुक और व्हाट्सएप को हर कोई चलाता है, तो आप एक फेसबुक अकाउंट खोल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास खुद का इतना जगह नहीं है कि आप इस बिजनेस को घर से शुरू कर पाए, तो मैं उन सारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास उतना भी जगह नहीं है इस काम को करने के लिए तो आप लोग एक घर को रेंट में ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। और आपको आज का इस वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आगे और भी लोगों को इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं और एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक जय हिंद।